तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर हाजीपुर में बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के हार के साथ अपने पिता रामविलास पासवान के विरासत को भी गंवाने की बात कही है। हाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक बयान देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, वो भी चिराग पासवान के हार की भविष्यवाणी। तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में चिराग पासवान पर हमला बोला, उससे एक बात स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव अब चिराग पासवान पर सीधा सीधा हमला बोलना चाहते हैं। सुनिए सबसे पहले तेजस्वी यादव ने आखिर चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहा। चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे, चुनाव कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे कहीं भी, पोलिंग बूथ तक नहीं था और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे और भाजपा के लोग ही हरा रहे, और भी लोग हैं जो हरा रहे। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने भी चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। कोई नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं, हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। हम मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, ये तो जीत ही रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया, और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी का बच्चा आगे बढ़े, हमारे साथ किया, हमने क्या किया, हमने क्या उपका ले लिया, हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके चार विधायक बनाए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले, जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, अभी हमने थोड़ा सा करक क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। तो ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े, ये खत्म करना चाहता है। अभी क्या का डर है, मल्ला का बेटा किसी से डरा क्या, बिहारी डर देगा क्या, वो भी गुजराती से। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बयान पर चिराग पासवान आखिर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।